अंबेडकर तिराहे पर विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, पुलिस ने 40 कार्यकर्ताओं पर की कार्रवाई। गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ अंबेडकर तिराहे पर प्रदर्शन किया। दर्जनों कांग्रेसी विधायक कार्यालय पर कांग्रेस का झंडा लगाने जा रहे थे। अंबेडकर तिराहे पर मौजूद 5 थानों की पुलिस ने बैरिकेड करने के बाद कांग्रेसियों को रोक दिया, जहां पर कांग्रेसियों ने विधायक व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने मामले में करीब 40 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है, जिसमें 28 कार्यकर्ताओं पर, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और 12 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने 12 कार्यकर्ताओं को एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जिनमें अनुराग ठाकुर, शालू बिलगैया, आशीष चौबे, प्रमोद राय, पंकज यादव, राहुल के लिए जेल भेज दिया गया। वहीं 6 कार्यकर्ताओं को गुरुवार की देर शाम जमानत दे दी गई। गुरुवार की रात करीब 9 बजे एसडीओपी नितेश पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वोदय चौराहे एवं अंबेडकर तिराहे पर बिना अनुमति प्रदर्शन कर रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। हम कांग्रेसियों ने केवल अपनी बात रखने और ये स्पष्ट करने बिना विधायक जी के घर जा रहे थे कि वो स्पष्ट करें कि वो कांग्रेस में है या भाजपा में। हमारा प्रदर्शन किसी भी प्रकार के विरोध का नहीं था। पुलिस प्रशासन ने हमें बीच में रोका, जबकि हमारा उद्देश्य केवल बिना विधायक से स्पष्टीकरण करना था कि उन्होंने सदन में जो बयान दिया है कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं छोड़ी और भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। हमारा मांग केवल इतनी थी कि वे स्पष्ट करें कांग्रेस में है या भाजपा में। यदि कांग्रेस में है तो पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ आए, और यदि भाजपा में है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े और मैदान में आए। परंतु कार्यक्रम के बाद हम कांग्रेसियों को चिन्हित करके बिना विधायक के इशारे पर मेडिकल करके जेल भेजा जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम बिना विधानसभा की जनता से ये निवेदन कर रहे हैं कि जिन कांग्रेसियों ने इन्हें जिताने के लिए खून पसीना बहाया था, उन्हीं कांग्रेसियों के खिलाफ बिना विधायक ने आज लाठी चार्ज कराई, वाटर कैनन चलाई। हाँ, इसमें कांग्रेसियों द्वारा, जो कांग्रेस नेताओं द्वारा बिना अनुमति के जो सर्वोदय चौराहे पर प्रदर्शन किया गया एवं अंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया, रास्ता अवरुद्ध किया गया, और जिसके कारण उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, 116 किया गया और कुछ लोगों पर 151 किया गया, जिनके द्वारा कानून को हाथ में लिया जा रहा था।